सर कैसी लगी फिल्म? फिल्म अच्छी थी। अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मैं बोलूँ ना कि अगर कोई हिंदी फिल्म न्यू फिल्म बनी थी तो देखने में मज़ा आया, लेकिन अगर मैं सैराट से कंपेयर करूँ तो डिसअपॉइंटमेंट मुझे पहले से पता था, क्योंकि यार जो डायरेक्टर है शशांक खेतान, उन्होंने हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्म बनाई है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्म बनाई है। सो वो जो सोल एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, जो आप इनोसेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमने सैराट में देखा था, इट वॉज अ म्यूजिकल फिल्म। डायरेक्टर जो है उसको पूरा म्यूजिकली यू नो किस तरीके से रोमांस दिखाया गया। अब इनमें यार लड़का लड़की का रोमांस बहुत बार देखा है स्क्रीन में, है ना, लेकिन उन्होंने एक अलग तरीके से दिखाया था। तो वो शशांक कहीं ना कहीं कर नहीं पाए, ठीक है, कर सकते थे, यू नो वी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि वो कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ काफ़ी फनी भी है, ठीक है, हाँ, साथ के जो एक्टर्स हैं बहुत अच्छा रोल किया है, ठीक है। सेकंड हाफ में सस्पेंस है, लेकिन सस्पेंस में फिर वही है ना, एक डायरेक्टर की बात वहीं पे पता चलती है, जब वो सस्पेंस, जब वो एक सैड कहानी दिखानी होती है, जब वो रियलिटी चेक मिलता है दोनों कपल को, पहले तो बड़े प्यारे प्यार प्यार करते हैं ना टीनेज की उम्र में हम लोग कैसे प्यार करते हैं, उसके बाद जो रियलिटी चेक मिलता है, जब रियलिटी चेक होता है उस समय किस तरीके से, एक्टिंग खराब नहीं थी। आई वुड लाइक टू से कि ईशान खट्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी, जानवी कपूर की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, डायलेक्ट बहुत अच्छा पकड़ा है, ठीक है, जो टोन पकड़ा है राजस्थानी टोन बहुत बढ़िया था, लेकिन डायरेक्शन बहुत वीक लगा मुझे, हाँ। सो यही उसका मिसिंग पार्ट था, डायरेक्शन बहुत कमज़ोर था, शशांक खेतान साहब बहुत कमज़ोर। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार विल यू गिव? अगर इंडिपेंडेंट फिल्म बोलूँ तो 3 out of 5, अगर सैराट से कंपेयर करके बोलूँ तो 2 out of 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू।